जय माता दी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 अगस्त और 10 अगस्त के कन्या राशि फल के बारे में कन्या राशि के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे इन दो दिनों में ग्रह नक्षत्रों में किस तरह के परिवर्तन होंगे क्या योग बनेंगे और उनका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर कैसा होगा आपकी शिक्षा पर प्रेम जीवन पर पारिवारिक जीवन दाम्पत्य जीवन करियर नौकरी दुकान व्यापार हर चीज़ के बारे में जानेंगे तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो चलिए जान लेते हैं इन दो दिनों में क्या तिथि नक्षत्र क्या योग बन रहे हैं नौ अगस्त की बात करते हैं ये कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है और इस दिन रेवती नक्षत्र रहेगा इस दिन सूर्य कर्क राशि में और चंद्रमा मीन राशि में होंगे देखिए चंद्रमा मीन राशि में है और यहाँ चंद्र और गुरु की युति हो रही है चंद्र गुरु की युति से गजकेसरी योग बन रहा है जो कि गज के समान ही शक्तिशाली योग माना जाता है पैसे कुप के प्रवाह के लिए बहुत अच्छा माना जाता है यानी पैसे की आवक बढ़ती है इसके अलावा इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा जो कि शाम से अगले दिन सुबह तक है इसके अलावा रवि योग बनेगा जो कि शाम से अगले दिन तक बनने वाला है यानी तीन तीन शुभ योग इस दिन बन रहे हैं अगस्त की बात करते हैं कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है और इस दिन इस दिन दिन अश्विनी नक्षत्र रहेगा गण नाम का योग बन रहा है सोमवार का यह दिन है सूर्य कर्क राशि में और चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं अगर इन दोनों दिनों के अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो वो सुबह दस बजकर सैंतीस मिनट से बारह बजकर तीस मिनट तक है और इसके अलावा दस अगस्त के दिन भी रवि योग बनेगा जो कि सुबह से दोपहर तक एक बजे तक बनने वाला है तो ये थी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति इसी के अनुसार हम जानेंगे ये दो दिन आपके लिए कैसे रहेंगे चंद्रमा इन दो दिनों में दो राशियों में गोचर कर रहे हैं मीन राशि में और मेष राशि में और सर्वार सिद्धि योग रवि योग बन रहा है गजकेसरी योग नौ अगस्त के दिन बन रहा है तो चलिए जान लेते हैं कैसा समय होगा तो देखिए जैसा कि कहा गुरु जो हैं वो हैं धन के कारक ग्रह हैं और चंद्रमा जो हैं वो प्रवाह करते हैं तो इसीलिए पैसों से जो जुड़े मामले होंगे वो आपके इस दिन आसानी से सुलझ जाएंगे 9 अगस्त के दिन यानी पैसों से जुड़ा लेन देन का कोई मामला है कहीं से आपको पैसा लेना था कहीं लोन लेना था या कहीं से पैसा आना था तो इस तरह के जो भी मामले होंगे वो बड़ी ईजिली सुलझ जाएंगे जिससे आर्थिक पक्ष मजबूत होगा इस समय कुछ नई चीज़ों से आपका जुड़ाव हो सकता है नई चीज़ों की तरफ आप आकर्षित हो सकते हैं ये नई चीज़ें हो सकता है आप कुछ नया सीखना चाहें या कुछ नया करना चाहें तो ऐसी ही चीज़ों से आपका जुड़ाव आप महसूस करेंगे स्वभाव आपका अच्छा रहेगा बड़ा ही कॉमन आप इस समय आपका स्वभाव होगा और अगर आपकी कोई परेशानी समस्या थी तो हर तरह की समस्या का आसानी से हल आप ढूँढ निकल सकते हैं इसके अलावा ये जो दिन है इस दिन आपको अपने सभी कार्यों में सफलता ज़रूर मिलेगी पूरा दिन आपके अंदर एक उत्साह रहेगा और पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा यानी अपने काम को लेकर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ आप इस काम को कर सकते हैं आप अगर विद्यार्थी हैं तो अपनी पढ़ाई को लेकर कॉन्फिडेंट होंगे अगर आप एक व्यापारी हैं और कोई डील करने जा रहे हैं तो उसके लिए आप कॉन्फिडेंट होंगे कि आप अपनी डील को आज फाइनल कर सकते हैं आप अपने व्यापार का विस्तार कर सकते हैं और काफ़ी एनर्जी आपके अंदर होगी तो ऐसा समय जब होता है तो आप अपने अधिकतर कामों को पूरा कर पाते हैं महिलाओं के लिए ये समय काफ़ी अनुकूल है अपने सभी कामों को आप जल्दी से निपटा सकेंगे अपने लिए कुछ ऐसा वक्त निकालेंगे जो सिर्फ आपका वक्त होगा तो ये समय हर तरह से अच्छा है कुछ समय परिवार के साथ मनोरंजक गतिविधियों में भी आप बिताएंगे और इस समय आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से भी हो सकती है जिसके विचारों का आपके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा जिससे आपका मन भी प्रसन्न होगा देखिए ये जो दिन है इस समय आप थोड़ा समय आप मंदिर में जाकर बिता सकते हैं या आपके घर के मंदिर के पास बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से आप इस थोड़ा सा समय आप दिन में निकाल कर ज़रूर बिताएँ तो ये जो दिन है आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा दस अगस्त के दिन चंद्रमा मेष राशि में चले जाएंगे। ये जो समय होगा ये आपके ऑफिस के लिए आपके बिजनेस में कोई नई डील पाने के लिए होगा कोई नई पहल करने का समय हो सकता है आपका जो कामकाज है आपके कामकाज में कुछ नया प्रयोग करने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो इस दिन आप जरूर कर सकते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी दिन आपके लिए अच्छा रहेगा आप जो भी सोचेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और इस समय आपके जो अगर आप नौकरी करते हैं तो वहाँ आपके जो बॉस होंगे जो आपके अधिकारी हैं वो आपकी तारीफ़ कर सकते हैं किसी काम को लेकर और जीवनसाथी के साथ भी आपका अच्छा समय बीतेगा अगर साझेदारी में काम करते हैं तो वहाँ से भी फायदा होने के योग बन रहे हैं डेली इनकम वाले लोगों की बात करें तो उनके लिए दोनों ही दिन बड़े फ़ायदे के रहने वाले हैं रोजमर्रा के कामों में आपको अच्छा फायदा देखने को मिलेगा डेली इनकम वालों के लिए दोनों दिन बहुत ही अनुकूल हैं अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम करते हैं तो उसके लिए भी समय काफ़ी अनुकूल बना हुआ है आपके जो कार्य हैं वो पूरे हो जाएंगे आप किसी डील के पीछे अगर पड़े हुए थे तो मेहनत जो आप कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिल सकता है पुराने काम जो पेंडिंग पड़े हुए हैं उन सभी कामों को आप समय से पूरा कर पाएंगे और पारिवारिक जो समस्याएं अगर कुछ चल रही हैं तो उनका भी समाधान कर पाएंगे ये सोमवार का दिन है तो इस दिन आप सुबह भगवान शिव की पूजा अर्चना जरूर करें जो आपके हर कार्य को बनाएगा और थोड़ी सी सावधानियां भी देखिए यहाँ रखनी होंगी एक तो गुस्सा आपके अंदर हो सकता है क्योंकि मीन राशि में मंगल विराजमान है और यहाँ मीन राशि में मंगल है जो कि अत्यधिक क्रोधी ग्रह माने जाते हैं तो थोड़ा गुस्से की अधिकता ज़रूर रह सकती है तो आप उस पर काबू रखेंगे उस तो शांति से आप हर काम को कर पाएंगे और देखिए आपको अगर कोई मुद्दा बड़ा लग रहा है तो आपको ध्यान रखना है धैर्य रखना है क्योंकि वही बात कल आपको छोटी लग सकती है इसीलिए किसी भी तरह का मुद्दा हो मुद्दा हो तो उसे प्रेम से सुलझाने की कोशिश करें अपनी सच्चाई को बनाए रखें नैतिकता को बनाए रखें और कोई दूसरा व्यक्ति आपको गुमराह करने के बारे में सोच सकता है कोशिश कर सकता है कुछ ऐसी बातें कर सकता है जिससे आप अपने काम को लेकर गुमराह हो जाएं या परिवार के किसी सदस्य के प्रति तो एक तो उनकी गलत बातों में ना आए कोई भी गलत काम करने से साफ़ मना कर दें और अपने दिल की बात सुनें क्योंकि आपका सही फ़ैसला आपको सफलता दिलाएगा और आपको आगे लेकर जाएगा इसीलिए किसी की बातों में बिल्कुल नहीं आना है बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है कर्ज के लिए आवेदन किया है तो वहाँ से ज़रूर आपको खुशखबरी मिल सकती है इसमें हो सकता है देर लगी है लेकिन उस जो सब्र का फल है वो मीठा मिलेगा और इस जो रकम है उसको फटाफट जिस काम के लिए आपने ली है उस काम में सबसे पहले आप लगाएं जो मदद मिल रही है उसको आप सही जगह पर लगाएं उस मदद का गलत इस्तेमाल बिल्कुल ना करें प्रेम जीवन की यदि बात करें तो देखिए जो अकेले व्यक्ति हैं उनके लिए कुछ ऐसे व्यक्तियों से संपर्क हो सकता है जो आपके लिए आकर्षक कुछ ऑप्शन लेकर आ सकते हैं और तो एक तो ध्यान रखें किसी के दिल से खिलवाड़ बिल्कुल ना करें क्योंकि आपके प्रति उनके आकर्षण को क्षति पहुंचा सकता है ये तो एक तो अपने रिश्तों के प्रति सावधानी रखनी है दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा विद्यार्थियों के लिए समय भी ये अच्छा रहने वाला है तो ये दोनों ही दिन आपके लिए बेहद अच्छे हैं दोनों दिनों को अच्छे से एंजॉय आप कर सकते हैं तो दोस्तों और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें